अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार जो है उपहारों का सिलसिला जारी है और ऐसे में प्रदेश सहित पूरे देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो अपने श्री राम लला के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं और ऐसे में आज चांदी की झाड़ू लेकर पहुंचे हैं एमपी से। एमपी के बैतूल से कुछ लोग लेकर यहाँ पर आए हैं। ये पूरी चांदी की झाड़ू आप देख सकते हैं जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। राष्ट्रीय हिंदू मांग है मातंग और समाज संघ की। ये झाड़ू लेकर अयोध्या पहुंचे हैं और इस झाड़ू में पूरी ये चांदी की झाड़ू बनी है और इसमें हर एक चीज जो है वो चांदी की है। तो यहाँ पर ये चांदी की झाड़ू जो अपने आप में ही काफी खूबसूरत दिख भी रही है और इस झाड़ू के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं कि इसके ऊपर देवी माँ का एक महालक्ष्मी का जो है इतनी जो स्टैचू भी है कह सकते हैं, आइडल भी रखी है, मूर्ति भी है, तो वो भी है। तो ये काफी दिखने में एक अलग सी लग रही है। इसको लाने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो इसको लेकर आए हैं, उनसे हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं मधुकर राव देवारे। अच्छा मधुकर जी, कहाँ से हैं आप लोग और ये क्या चीज लेकर आए हैं और क्यों? जी हम बैतूल जिला मध्य भारत प्रांत से है और जैसा कि विदित है कि 500 वर्षों के सब संघर्ष आज जो पूरा हुआ है तो उसी के निमित्त अखिल भारतीय मांग मातंग समाज द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं श्री राम प्रभु के मंदिर में कहीं ना कहीं कोई लोग उपहार दे रहे हैं। तो इसी के निमित्त जैसे कि 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में दिवाली के रूप में मनाया जा रहा था तो इसी को ध्यान में रखते सोचा बिना दीपावली में बिना झाड़ू के दीपावली संपन्न नहीं होती है। तो हमारा जो मांग समाज है इनका जो पैतृक व्यवसाय है वह मुख्यतः झाड़ू बनाने का रहा है जिससे हमारा भरण पोषण होता है। तो मातंग समाज ने चिंतन करा क्यों नहीं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के दरबार में झाड़ू भेंट की जाए जिससे जो दीपावली के रूप में जो झाड़ू से पूजा की जाती है तो झाड़ू देकर वहाँ पूजन हुआ और ताकि विश्व में और पूरे भारत में हमारे समाज को एक पहचान मिले। ओके, ये अब इस झाड़ू के बारे में आते हैं कि ये कितने की कॉस्ट इस पे लागत आई है बनाने को लेकर, कितने दिनों में इसको बनाया है और कितने लोगों ने? भाई साहब इसमें तो समय बहुत ही कम समय में यहाँ प्लान आया था समाज के बीच में, यह लगभग 11 दिनों में बन के तैयार हुई है और लगभग इसमें 2 लाख रुपए की कॉस्ट आई है और यह शुद्ध रजत से निर्मित 108 तिलियों से लकड़ियों से बन के बना है और यह विश्व की पहली चांदी की झाड़ू है जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट। इसमें और क्या क्या खास बात है इसकी बनावट में और इसके जो मोर है श्री राम जी, क्या क्या बनावट के बारे में बताइए? जो ये झाड़ू है, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का निवास करते हैं, इस पर एक मूर्ति लगी है माँ लक्ष्मी का जिसमें पूरा विराजमान है कि माँ लक्ष्मी का निवास है और इसमें जो नक्काशी करी है इतनी सुंदर है जिसमें इसकी सुंदरता के लिए 2 मोर लगाया है और नीचे आप देखोगे इसमें जो घुंघरू और ये जो इसमें जो मुंदरी लगी है, मुंदरी का मेन महत्व ये होता है कि जब झाड़ू लगाया जाती है तो मुंदरी को निकाली जाती है उसके बाद झाड़ू लगाई जाती है दरबार में। तो बड़ी सुंदर झाड़ू का वर्णन हुआ है। ओके, तो आप कितने लोग आए हैं वहां से? हम भाई साहब अभी 7 लोग आए हैं और 5 लोग अभी आ रहे हैं। देखिए ये जो झाड़ू है ये राष्ट्रीय हिंदू की मांग है और मातंग समाज संघ से आई हुई है साफ तौर से। और इस झाड़ू की खास बात है कि पूरी चांदी की बनी हुई झाड़ू है और इसमें माँ लक्ष्मी का विराजमान है। मानना यही है इन लोगों का जो लोग इस झाड़ू को लेकर आए हैं कि इस झाड़ू से श्री राम लला का जो मंदिर है उस परिसर में इसको लगाया जाए, माँ लक्ष्मी उस परिसर में निवास करें। दीपावली पे पूरा देश पूरा जिस तरीके से दीपावली मनाता है ऐसे में झाड़ू का प्रयोग करके कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ भी श्री राम लला के साथ मंदिर प्रतिष्ठान में निवास करें। अयोध्या से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।